नवंबर की आमद के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात में मारखोर के शिकार का सीजन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मारखोर हंटिंग ट्रॉफी का लाइसेंस जिला अस्तोर के बोंजी कंजर्वेंसी में जारी किया गया। हासिल होने वाली रकम मारखोर की नस्ल की ब्रीडिंग और उनकी देखभाल पर खर्च की जाती है, जिससे मारखोर की नस्ल आगे बढ़ती रहती है। कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ गिलगित बल्तिस्तान इजलाल हुसैन का कहना है कि अस्तोर की कंजर्वेंसी मादूमियत के खतरे का शिकार मारखोर का गढ़ है। ख्याल रहे कि इससे कबल मारखोर के शिकार के लिए ट्रॉफी की सबसे बड़ी रकम $1,60,000 थी। गुज़श्ता बरस खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर चित्राल में एक अमरीकी शहरी ने $1,60,000 के इव्स पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का शिकार किया था। यह शिकार ब्रायन नामी अमरीकी शहरी ने लोअर चित्राल की मारखोर कंजर्वेंसी में किया था। उन्होंने ये ट्रॉफी नवंबर 2020 में होने वाली नीलामी में जीती थी। उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित में होने वाली बोली में कुल 4 ट्रॉफियों की नीलामी की गई, जिनमें अस्तोर की कंजर्वेंसी में नीलाम होने वाली ट्रॉफी के अलावा मजीद 3 ट्रॉफियां भी शामिल हैं। अस्तोर मारखोर का गढ़ है, लेकिन इस बार रोटेशन पॉलिसी के तहत दीगर ट्रॉफियां गिलगित जिला की 3 मुख्तलिफ कंजर्वेंसीज में दी गईं। 2 ट्रॉफीज की नीलामी 1,30,000 फी ट्रॉफी के इव्स की गई थी, ताहम 4थी ट्रॉफी की सबसे ज्यादा बोली 1,12,000 की लगी। बोली जीतने वाले शिकारी अमूमन गैर मुल्की ही होते हैं। चूँकि ये शिकारी आर्मी कंपनियों के जरिए बोली लगाते हैं, इसलिए उनका पता प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ही चलता है। ये मामला प्रोसेसिंग के लिए वफाकी हुकूमत के पास जाएगा, वहाँ से दोबारा महकमा वाइल्ड लाइफ के पास आएगा तो पता चलेगा कि बोली जीतने वाले शिकारियों का ताल्लुक किन ममालिक से है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और बलोचिस्तान में मारखोर की कई इकसाम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग स्कीम के तहत हर साल मारखोर के शिकार के लिए 12 लाइसेंसेस जारी किए जाते हैं। महकमा जंगली हयात चित्राल के साबिक जिला ऑफिसर इम्तियाज हुसैन का कहना है कि शिकार के बाद महकमा जंगली हयात के अहलकार शिकार किए गए मारखोर के सींगों की पैमाइश करते हैं, जिसे शिकारी के हवाले किया जाता है। शिकारी सींग को बतौर ट्रॉफी अपने साथ ले जाता है। उनके मुताबिक उमूमन शिकारियों की दिलचस्पी मारखोर के गोश्त में नहीं होती। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चित्राल के एक ऑफिसर ने बताया कि बुनियादी तौर पर ट्रॉफी हंटिंग का मकसद लोकल कम्युनिटी की जानिब से मारखोर के गैर कानूनी शिकार को रोकना है। ट्रॉफी की रकम का 80% मुकामी कम्युनिटी पर खर्च किया जाता है। मुकामी तंजीम के जरिए यह रकम सेहत, साफ पानी और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि ट्रॉफी हंट में बड़ी उम्र के जानवरों का शिकार कराया जाए, ताकि बूढ़े जानवर खत्म भी हों। याद रहे कि पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग की शुरुआत 1999 से हुई। 1997 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एडवेंजर्ड स्पीशीज से मुतालिक जिम्बाब्वे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मारखोर के गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए हंटिंग ट्रॉफी देने की इजाज़त दी गई। इब्तदा में पाकिस्तान को साल में 6 ट्रॉफियों की इजाज़त दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया गया। ट्रॉफी हंटिंग और कम्युनिटी मैनेज्ड कंजर्वेशन की बदौलत चित्राल में कश्मीर मारखोर की तादाद जो 1999 में चंद सौ थी, अब हजारों तक पहुंच गई है। वाइल्ड लाइफ के एक ऑफिसर के मुताबिक कश्मीर में मारखोर की तादाद चंद सौ रह गई थी, लेकिन ये भी अब बढ़कर 4,000 से जायद हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला खर्चा है, जो कि मारखोर के शिकार से ही हासिल होता है। मारखोर ट्रॉफी हंटिंग के परमिट्स ओपन नीलामी के लिए दिए जाते हैं, जो हर साल नवंबर के महीने में की जाती है। चूंकि नीलामी डॉलर्स में होती है, इसलिए उमूमन मारखोर के परमिट को गैर मुल्की शिकारी ही हासिल करते हैं। अगर ट्रॉफी हंटिंग के दौरान शिकारी का फायर मिस हो गया और मारखोर भाग गया, तो भी परमिट काबिल इस्तेमाल रहता है। लेकिन अगर शिकारी के फायर से मारखोर जख्मी हो गया मगर हाथ नहीं आया, तो भी यह शिकार तसव्वुर होगा। कानून के मुताबिक मारखोर ट्रॉफी हंटिंग सीजन 15 नवंबर से अप्रैल तक होता है, जिसके बाद चूंकि ब्रीडिंग शुरू हो जाती है, इसलिए शिकार की इजाजत नहीं होती। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।